ईरान ने कहा है कि वो सीरिया की राजधानी दमिश्क में उसके वाणिज्यिक दूतावास पर इसराइल के कथित हमले का जवाब देगा। सीरिया में ईरान के राजदूत ने कहा है कि हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के 7 और सीरिया के 6 नागरिक सहित कुल 13 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी भी थे। वे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की विदेशी शाखा कुद्स फोर्स के एक अहम व्यक्ति थे। हालांकि इसराइल ने अभी तक इस हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर फवाज गेरजेज ने कहा, ये न केवल ईरान बल्कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर फोर्स के शीर्ष नेतृत्व पर भी हमला था। इससे कुछ फोर्स को बड़ा नुकसान हुआ है जो लेबनान में हिजबुल्ला और सीरिया के साथ समन्वय और हथियार और तकनीक ट्रांसफर के लिए बड़ा धक्का है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हम उन्हें ये अपराध करने और ऐसी कार्रवाई करने पर पछताने को मजबूर करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस हमले को अमानवीय, आक्रामक और घृणित काम बताया और कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान इसराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और उसका कहना है कि इसराइल ने मुसलमानों की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। दूसरी तरफ इसराइल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। उसने हमेशा ही ये कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान और इसराइल की सीमाएं एक दूसरे से नहीं लगती, लेकिन इसराइल के पड़ोसी देशों जैसे लेबनान, सीरिया और फलस्तीन में ईरान का प्रभाव साफ दिखता है। जानकार मानते हैं कि ईरान के बयानों से जाहिर है कि गजा युद्ध के बीच इसराइल और ईरान के सहयोगियों के बीच हिंसा की आशंका और बढ़ गई है। पश्चिम एशिया मामलों के जानकार अली सदरजादेह कहते हैं कि ईरान अपनी सैन्य क्षमता और आर्थिक राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इसराइल के साथ बड़ा टकराव लेने में अक्षम है, लेकिन घरेलू राजनीति के लिए इसे जवाब देना होगा। अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच इसे अपनी प्रतिष्ठा की भी रक्षा करनी होगी। यही राय फवाज गेरजेज की भी है। वे मानते हैं कि इसराइल के खिलाफ ईरान सीधी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। गजा युद्ध के बाद से ही सीरिया, इराक, लेबनान और यमन में इसराइल के खिलाफ ईरान समर्थित लड़ाकों के मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे अपने हमले सीमित रखना चाहते हैं ताकि इसराइल से पूर्ण युद्ध ना हो। सदर जादेह कहते हैं, ईरान की प्रॉक्सी ताकतों द्वारा इसराइली राजनयिक मिशन के खिलाफ हमले की कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन लाल सागर और अदन की खाड़ी में इसराइल या अमेरिका से जुड़े जहाज़ों के खिलाफ ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के मौजूदा हमलों के जारी रहने की बहुत संभावना है। लेकिन क्या ईरान समर्थित हिजबुल्ला लड़ाके दमिश्क हमले का जवाब देंगे? हिजबुल्ला भारी हथियारों से लैस दुनिया के सबसे बड़े गैर सरकारी सैन्य बलों में से एक है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज थिंक टैंक के अनुसार इस संगठन के पास लगभग 130,000 रॉकेट और मिसाइलों का विशाल भंडार है। हालांकि बीबीसी ने जिन जानकारों से बात की उनके अनुसार ये संगठन इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा अभियान शुरू करेगा इसकी संभावना कम ही है। फवाज गेरजेज कहते हैं, हिजबुल्ला वास्तव में इसराइल के जाल में ही नहीं फंसना चाहता, क्योंकि उन्हें एहसास है कि बिन्यामिन नेतन्याहू और उनकी युद्ध कैबिनेट लड़ाई का विस्तार करने की खूब कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू का राजनीतिक भविष्य गजा में युद्ध जारी रहने और उत्तरी मोर्चे पर हिजबुल्ला और ईरान के साथ इसका विस्तार होने पर निर्भर करता है। अली सदरजादेह का मानना है कि ईरान इसराइल के साथ युद्ध का जोखिम उठाने के बजाय प्रतीकात्मक जवाब ही देगा। ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान के पास बदला लेने के लिए दूसरे कौन से रास्ते खुले हैं? इसराइली इंस्टीट्यूट फॉर साइबर पॉलिसी स्टडीज़ के ताल पॉवेल कहते हैं कि ईरान शायद इसराइल से बदला लेने के लिए साइबर स्पेस का उपयोग कर सकता है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि पिछले 1.5 दशक के दौरान ईरान और इसराइल के बीच गुप्त साइबर युद्ध चल रहा है, इसलिए ये इसका केवल एक और स्टेज हो सकता है। ईरान ने पिछले कुछ सालों में तकनीकी क्षेत्र में तरक्की की है। उसके पास वो हथियार हैं जिनके बलबूते वो इसराइल का सामना कर सकता है। हथियार इसराइल के पास भी हैं, लेकिन इसराइल के पास अमेरिका का साथ है। कहीं भी जंग छिड़ी तो इसराइल को अमेरिका का साथ मिलेगा और ये इसराइल के लिए बढ़त की तरह है।